응대. हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 63 तक कर चुके हैं। शुरुआत करेंगे 64 से। आप लोग के बिना हमको भी मन नहीं लग रहा है। आप लोग क्लास में रहते थे तो थोड़ा पढ़ाने में मज़ा आता था। तो देखिएगा 64 नंबर। आप पांडे जी वीडियो देख रहे हैं ना? पांडे जी को पहचानते हैं ना आप लोग? हाँ, पहचानिएगा पांडे जी को। दोनों लोग को, वो दोनों पीछे में जो बैठे थे दोनों लोग, हाँ ध्यान देना होगा उन लोग को। 64 नंबर देखिएगा। कह रहा है एक रेखा का सम्मुख और ऊपरी दृश्य, सम्मुख मतलब फ्रंट व्यू और ऊपरी दृश्य मतलब टॉप व्यू, एक XY रेखा के क्रमशः नीचे तथा ऊपर प्रदर्शित किया जाता है, तो प्रक्षेप कौन सा कोण में होगा? क्वेश्चन देखिएगा, ये XY है। कह रहा है कि सम्मुख दृश्य फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्रमशः नीचे तथा ऊपर, मतलब फ्रंट व्यू नीचे है और टॉप व्यू कहाँ है? ऊपर। तो हम पढ़े थे ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये कौन सा कोण में हम लोग रखते थे कि टॉप व्यू ऊपर में जाता था? थर्ड किस में रखते थे? थर्ड वाला में रखते थे। तो यहाँ पे बनता था इसी को 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उधर क्लॉकवाइज घुमाते थे तो टॉप व्यू कहाँ जाता था? XY के ऊपर। आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो XY के नीचे। तो कौन सा कोण प्रक्षेप हो जाएगा? तृतीय कोण प्रक्षेप, याद है ना? एक रेखा को सम्मुख दृश्य और ऊपरी दृश्य XY रेखा के क्रम से नीचे तथा ऊपर प्रदर्शित किया गया है, तो प्रक्षेप कौन सा हो जाएगा? तृतीय कोण प्रक्षेप। अब देखिएगा इसमें है 65 नंबर। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सही नहीं है, तो इसका आपको आंसर दे रहा है ए, सममितीय पैमाना का प्रयोग सममितीय प्रक्षेप खींचने में किया जाता है। ये इसका इसमें कोई हमको बढ़िया से दिख नहीं दिख रहा है। इसमें दो जगह गलत दिख रहा है। एक सममितीय ड्राइंग में वर्ग को आयत में दिखा जाता है, ये वर्ग को कभी हम लोग आयत में नहीं देख पाएंगे। वर्ग को प्रक्षेप वर्गे होगा, आयत का प्रक्षेप आयत होगा। एक यहाँ भी इसमें गलती दिख रहा है, इसमें भी गलती देगा। सममितीय पैमाना का प्रयोग सममितीय प्रक्षेप खींचने में किया जाता है, इसका होता है और इसी का गलत दे रहा है। इसका कोई भी कथन इस फाइनल नहीं है, इसलिए इसका हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। 66 नंबर देखिएगा। कह रहा है वृत्त को शीर्ष अवलोकन मतलब टॉप व्यू, अग्र मतलब फ्रंट व्यू तथा पार्श्व मतलब साइड व्यू दृश्य से निरूपित किया गया है, यदि इन सभी अवलोकनों को सममितीय दृष्टिकोण में परिवर्तित कर दिया जाए तब क्या होगा? मतलब एक वृत्त को टॉप व्यू से भी देख रहा है, फ्रंट व्यू से भी देख रहा है और साइड व्यू से भी देख रहा है, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन पड़ेगा सभी तीनों सममितीय दृष्टिकोण एक समान होंगे। अगर वृत्त को हम इसमें रखेंगे और टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू देखेंगे तो वृत्त तीनों एक जगह तीनों समान दिखाई देगा, तीनों समान कभी नहीं दिखाई देगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी नंबर है सम्मुख एवं पार्श्व दृश्य एक समान होंगे, मतलब कह रहा है फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों समान होगा। अगर इसमें कहीं पे वृत्त को रखेंगे तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू क्या होगा? दोनों समान होगा? कभी नहीं होगा। सी नंबर पड़ेगा शीर्ष तथा सम्मुख दृष्टिकोण एक समान होंगे, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक समान होगा। कभी भी वृत्त कहीं से भी देखेंगे, टॉप व्यू फ्रंट व्यू देखेंगे तो एक समान होगा क्या? कभी नहीं होगा। और डी नंबर पड़ेगा न तो शीर्ष दृष्टिकोण ना ही सम्मुख या पार्श्व के अवलोकन एक समान होंगे, तीनों एक समान कभी नहीं होगा। ऑप्शन आपका डी नंबर सही है। 68 नंबर पड़ेगा, इसको भी थोड़ा सा वो रट लीजिएगा, इसके मेरे पास कोई कंसेप्ट नहीं है। एक वस्तु के ऊर्ध्वाधर किनारे सममितीय दृश्य में दिखाई देते हैं, इसका ऑप्शन दे रहा है ए। हाँ सॉरी, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर किनारे कैसा दिखाई देगा? ऊर्ध्वाधर किनारे ऊर्ध्वाधर ही दिखाई देगा, तो 68 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। एक वस्तु के ऊर्ध्वाधर किनारे सममितीय दृश्य में दिखाई देते हैं, ऊर्ध्वाधर ही दिखाई देगा। 69 नंबर कह रहा है एक वर्गाकार तल HP पर रुका हुआ है जिसका तल HP पर लेटा हुआ है। ये मान लीजिए मेरे पास ये है, ये हमारे पास एक वर्गाकार तल है, ये वर्गाकार तल है। कह रहा है ये HP पे झुका हुआ है, HP पे हो गया, HP पे रुका हुआ है, HP पर रुका दिए इसको, और HP पे लेटा हुआ भी है, एकदम लेटा हुआ आराम से अपना HP पे लेटा हुआ। आप लोग लेटे हुए नहीं है ना, ध्यान से समझिएगा। आप लोग लेटिएगा नहीं तो लेटिएगा तो नींद आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। HP पे लेट गया ये, कह रहा है कि इसका सम्मुख दृश्य कैसा दिखेगा? सम्मुख दृश्य इधर से होगा कि इधर से होगा? कहां से होगा? इधर से होगा। तो इधर से जब हम सम्मुख दृश्य से देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा? एक लाइन दिखाई देगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक सीधी रेखा दिखाई देगा।
69 नंबर हो गया। 70 नंबर में आइए, 70 नंबर देखिएगा, एक सममितीय पैमाना में रेखा तथा इसके आइसोसेल समतुल्य रेखा के बीच का कोण क्या होता है, ये थोड़ा सा रट लीजिएगा, कितना होता है सी 15 डिग्री होता है। 71 नंबर देखिएगा, सममितीय प्रक्षेप को सामान्यतः सामान्य अक्षों के साथ खींचा जाता है, मतलब सममितीय प्रोजेक्शन जो हम लोग पढ़े थे प्रोजेक्शन, उसमें सामान्यतः कितने अक्ष होता था, कितना अक्ष होता था, तीन ही अक्ष होता था ना आइसोमेट्रिक में, 120 का होता था, तो मिनिमम हम लोग कितना अक्ष लेते थे, तीन। तो ये वही पूछ रहा है, सममितीय प्रक्षेप को सामान्यतः कितने अक्ष से, तीन अक्ष से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीन सम अक्षों के साथ खींचा जाता है। 73 नंबर देखिएगा, यदि एक रेखा क्षैतिज तल के समानांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल से झुका हुआ, आप लोग इमेजिन कीजिए कि क्षैतिज तल के समानांतर ले जाइए, कैसे रखिएगा, यही ना अपने पास ये है क्वाड्रेंट है, तो रेखा को बोला क्षैतिज तल के समानांतर, क्या बोला है, ऊर्ध्वाधर तल से झुका हुआ, तो एचपी के समानांतर है ये मेरा, एचपी से समानांतर है और वीपी पे झुका हुआ भी है, तो क्या कर रहा है, इसकी वास्तविक लंबाई को देखा जाएगा, वास्तविक लंबाई किसमें दिखाई देगा, फ्रंट व्यू से, उधर से फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये तिरछा है, तो वस्तु के आकार का नहीं दिखाई देगा, और जब टॉप व्यू देखिएगा तो क्या दिखाई देगा, एकदम वस्तु के आकार का दिखाई देगा, ये कौन सा हो जाएगा, टॉप व्यू। वो सारा प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्लेन एचपी के समानांतर वीपी के समानांतर है ना वो पेज, उसको हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा। 73 नंबर हो गया। 74 नंबर देखिएगा, यदि एक सतह का सम्मुख दृश्य एवं ऊपरी दृश्य दोनों सीधी रेखाएं हो तो यह होगा, कह रहा है कि इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों सीधी रेखा होने चाहिए, यहाँ पे वस्तु को कहाँ पे रखेंगे कि इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों सीधी रेखा दिखाई देगा, तो देखिए पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों के लंबवत, एक रेखा कभी वर्टिकल और यह क्षैतिज के कभी लंबवत होगा, ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्षैतिज तल के समानांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत, क्षैतिज तल के समानांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत, ये हो गया ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत हो गया, एचपी के समानांतर हो गया, तो क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपरी दृश्य सम्मुख दृश्य और ऊपरी दृश्य दोनों सीधी रेखा है, तो ऊपर से तो देखेंगे तो सीधी रेखा दिखाई देगा, लेकिन फ्रंट भी देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, एक पॉइंट दिखाई देगा, तो ये आपका बी भी कैंसिल हो जाएगा, सी नंबर देखेगा, क्षैतिज तल के लंबवत तथा ऊर्ध्वाधर तल के समानांतर, क्षैतिज के लंबवत ऊर्ध्वाधर तल के समानांतर, तो क्या होगा, टॉप व्यू से देखेगा तो एक बिंदु दिखाई दे देगा, सामने से देखे तो रेखा दिखाई देगा, दोनों स्थिति में कोई रेखा नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों के समानांतर कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में है, देखिए क्षैतिज के भी समानांतर है ऊर्ध्वाधर के भी समानांतर है, तो इधर से भी देखिएगा तो एक रेखा दिखाई देगा, इधर से भी देखिएगा तो एक रेखा दिखाई देगा, तो यह आपका ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यही पूछ रहा था कि यदि एक सतह का सम्मुख दृश्य तथा ऊपरी दृश्य दोनों सीधे रेखाएं हो तो यह होगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तल के समानांतर। फिर से क्वेश्चन, एक सममितीय प्रक्षेप होता है, क्या होता है, 3D होता है। अब पढ़िएगा 77 नंबर, यदि एक रेखा का शीर्ष दृश्य एक बिंदु हो तो उसका अग्रदृश्य क्या होगा, यदि कोई रेखा का शीर्ष दृश्य एक बिंदु है, शीर्ष दृश्य एक बिंदु है, शीर्ष दृश्य मतलब टॉप व्यू ऊपर से देखे तो एक बिंदु दिखाई दे रहा है, इसका पूछ रहा है कि उसका शीर्ष दृश्य एक बिंदु है तो उसका अग्रदृश्य क्या होगा, मतलब फ्रंट व्यू क्या होगा, ये ऊपर से देखे तो टॉप व्यू देखे तो एक बिंदु दिखाई दे रहा है, तो इसका फ्रंट व्यू इधर से देखेंगे क्या दिखाई देगा, एक रेखा दिखाई देगा, और ये रेखा कैसा दिखाई देगा, एक्स वाई के लंबवत, समझ रहे हैं ना, एक्स वाई के लंबवत दिखाई देगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संदर्भ रेखा के अनुलंब मतलब लंब होगा तथा वास्तविक लंबाई का होगा। 77 नंबर, 79 नंबर पड़ेगा, एक असममित वस्तु सामान्यतः दर्शाई जाती है, मतलब एसिमेट्रिक, मतलब असममितीय व्यू को कितने व्यू में दिखाएंगे, तीन व्यू में, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। फिलहाल इतना ही करते हैं, फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे, थैंक यू।